चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास. देखिए, इन दिस आफ्टरनून सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चैप्टर्स ऑफ योर लेबर लॉज, दैट इज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. आज के सेशन में हम बोनस के बारे में पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. बोनस कैसे इशू होता है, कैसे उसके इशुएंस की गाइडलाइंस हैं, बोनस कौन से एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल है और कौन से एम्प्लॉयर को लेट्स से बोनस देना ही पड़ेगा, ये सारी बातें आज के सेशन में हमें डिस्कस करनी है. देखिए, अकॉर्डिंगली अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है, वी हैव डिस्कस ऑल पॉइंट्स. जैसे कि हमने वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कआउट किया है. आज का जो सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ वो बोनस के बारे में रहने वाला है, जिसमें बोनस से रिगार्डिंग टोटल मिला के वी आर हैविंग अ सम सर्टेन ग्रुप ऑफ सेक्शंस. टोटल मिला के 20 सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, जो हमें बताएंगे कि बोनस के बारे में मींस क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए. देखिए, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हुए हो, थोड़ा सा आइडिया आपको तो होगा बोनस के बारे में. बोनस क्या होता है आप जानते हैं? बोनस क्या होता है भाई? देखिए, अगर कोई लेबर काम करेगा तो सैलरी लेना उसका हक है. बट एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि जो इंसेंटिव्स होते हैं, दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस जिससे कोई पर्टिकुलर लेबर और वर्कर काम कर सकता है. अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि लेट से मेरी सैलरी 10,000 रुपये की है और मेरा बॉस मुझे 2,000 रुपये के लेट से इंसेंटिव एवरी मंथ ऑफर कर देता है, तो 10,000 तो मुझे लगेगा मेरा हक है और 2,000 के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता हूँ. गवर्नमेंट ने इन सिचुएशंस को एक एक्ट में समराइज करके डिफाइन कर दिया, विच इज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द बोनस. बोनस के बारे में एक पॉइंट मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, जो भी रूल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. बोनस हमेशा जो दिया जाता है, दैट ऑलवेज गिवन इन द कैश. यानी बोनस अगर आपको पे करना है तो जनरली किस फॉर्म में आप पे करोगे? कैश के फॉर्म में. अगर मान के चलिए आपने बोनस के फॉर्म में कोई पर्टिकुलर आइटम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो उसको प्राइमा फेसी बोनस की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं करते. बोनस के केस में क्या क्या बोनस का मीनिंग है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या क्या कहता है, दैट इज आवर फिफ्थ चैप्टर. लेट्स से उसके कंडीशंस को, उनके रूल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो जस्ट राइट ऑन द फ्रेश हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. जस्ट राइट ऑन द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. The payment of Bonus Act 1965. Payment of Bonus Act 1965 की अगर हम बात करें तो ये एक्ट जनरली हमें बताता है व्हाट इज बेसिकली टेल्स. अगर हम इस एक्ट के मीनिंग की बात करें, सो बेसिक मीनिंग ऑफ दिस एक्ट इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड बोनसेस to provide bonuses to certain establishment to provide bonuses to certain establishment on basis of profit, on basis of production, and on basis of productivity. देखिए, अगर मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की बात करता हूं, सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जनरली आपको जो कंडीशन समझाता है बेसिकली टेल्स यू अबाउट द बोनसेस. अब यहाँ पर जो आप बोनसेस के बारे में बात करोगे तो बोनस कुछ लोगों को देना है, दैट इज़ इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट. ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. यानी कि यहाँ पर हमें बोनसेस प्रोवाइड करने हैं, पे करने हैं, दैट इज टू द सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. पहला क्या है? प्रॉफिट के बेसिस पर. दूसरा क्या है? प्रोडक्शन के बेसिस पर. और तीसरा केस हमारे सामने क्या है? प्रोडक्टिविटी के केसेस पर. अब देखिए, यहाँ पर आ रहा है कि बोनस जो है सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में पे करना है. कुछ एस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें बोनस एक्ट 1965 के प्रोविजन कवर होंगे, कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनके ऊपर दिस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के प्रोविजन कवर नहीं होंगे. तो नेक्स्ट सिचुएशन हमें ये डिस्कस करना है कि द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आपका किस किस एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता है और किन किन एस्टेब्लिशमेंट पे इस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होते.
सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बोनसेस के रूल्स अवेलेबल हैं कि वी आर रिक्वायर्ड टू पे द बोनसेस। बोनस किसको पे करना है? सर्टन एस्टेब्लिशमेंट में। और किस बेसिस पर आप बता सकते हैं? पहला बताइए प्रॉफिट के बेसिस पे, दूसरा प्रोडक्शन, और तीसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी। अब पॉइंट ऑफ इश्यूज हमें यह समझना है कि बोनस अगर लेट से हमें पे करना भी है एंड दैट इज टू द सर्टन एस्टेब्लिशमेंट, तो वो एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी हैं जिसको जिसके ऊपर बोनस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सो जस्ट राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। जस्ट राइट ऑन द फ्रेश हेडिंग, इस चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, दैट इज रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, देन वी कैन से दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट। अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो रूल सेज वेयर नंबर ऑफ वर्कर्स इन एनी डे प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर वेयर द नंबर ऑफ वर्कर इन एनी डे प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर इज 20 और मोर। यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर यहां पर काम कर रहे हैं? 20 या उससे ज्यादा। कंडीशन हमारे सामने यहां पर कहते हैं कि इस एक्ट के प्रोविजन किन किन फैक्ट्रीज और किन किन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो रूल बहुत सिंप्लीफाइड सा है। रूल ये कहता है कि एक्ट आपका सारी फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाइड होता है और ये एक्ट आपका सारी एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है। उन सारी एस्टेब्लिशमेंट पे इस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे जिसमें पिछले अकाउंटिंग ईयर में किसी भी दिन एक साथ कितने वर्कर्स ने काम किया है? 20 या उससे ज़्यादा। देखिए आज तक आपने फाइनेंशियल ईयर सुना होगा, आज तक आपने कैलेंडर ईयर सुना होगा, फर्स्ट टाइम आपने असेसमेंट ईयर सुना हुआ है, प्रीवियस ईयर सुना हुआ है एज पर द इनकम टैक्स वी कैन से। फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस वर्ड, दैट इज नोन एज योर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वर्ड का मतलब क्या है उसके स्पेसिफिकेशन को भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट साइमल्टेनियसली हमारे पास रूल ऑटोमेटिकली अवेलेबल है किस किस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। पहला देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल है? फैक्ट्री के ऊपर। दूसरा अदर एस्टेब्लिशमेंट, और उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं? 20 और मोर्स, एंड दैट इज इन द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर्स। कंडीशन यहां पर कहते हैं कि क्या सिर्फ इन दोनों के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? रूल सेज नो। इसके ऊपर अगर देखा जाए सो यहां पर हमारे पास एक छोटा सा नोट पॉइंट भी अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज दैट नोट पॉइंट सेज, उसको भी वर्कआउट करते हैं। देखिए इस एक्ट में भी जो मेन अथॉरिटी है, लाइक द अदर लेबर लॉज एक्ट, द मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसको हम जानते हैं, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक द अदर अथॉरिटीज अदर सिचुएशन में, यहां पर उनके पास पावर है कि वो चाहे तो लॉज बना सकते हैं, रूल्स एप्लीकेबल कर सकते हैं। ऐसी एक पावर मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की आपको बताने वाला हूं। देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय इशुइंग नोटिफिकेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को एक नोटिफिकेशन वगैरह इशू कर सकती है। नोटिफिकेशन का जो टाइम होगा एटलीस्ट 2 months टाइम। नोटिफिकेशन की अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का टाइम कितना है? एटलीस्ट आपका 2 महीने का टाइम है। एंड कैन अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन सर्टन एस्टेब्लिशमेंट
where number of workers are, where number of workers are less than 20, but more than 10. यानी कि conditions हमारे सामने यहाँ पर applicable हैं. This point is very important. अगर हम point की बात करें, तो यहाँ पर हम act की applicability की बात कर रहे हैं. Act की applicability के लिए situation आपके सामने quite clear है. ये act किसके ऊपर applicable होता है? Factories के ऊपर और establishment के ऊपर. कैसी establishment? जिसमें कितने person काम कर रहे हैं? 20 या उससे ज़्यादा. क्या अगर किसी establishment 20 से कम आदमी काम कर रहे हैं, तो appropriate government क्या act के provision को apply करा सकती है? Rule says yes. कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम वर्कर भी हैं, तो इस एक्ट के प्रोविज़न उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. पर जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, वो कौन इशू करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक्ट अप्लाई करने के लिए कम से कम कितने मंथ्स का नोटिस देंगे? एटलीस्ट अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ्स. बट यहाँ पर भी एक रूल कहता है कि लेस देन 20 वर्कर्स तो हैं, बट ये वर्कर आपके कम से कम 10 से ज़्यादा होना चाहिए. यानी कि इन शॉर्ट आई कैन टेल यू, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लॉज अप्लाई कर सकती है. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी मोर देन 10. 10 से ज़्यादा होगा, 20 से कम होगा, एक नोटिस देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, लॉज के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे. अगर 20 से ज़्यादा है, तो वैसे भी आपका एक्ट प्रोविजन क्या है? ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है. देखिए, हमने अगर देखा जाए, वी वर डिस्कसिंग द सडन पॉइंट्स. हम यहाँ पर चैप्टर्स के बारे में कुछ सडन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. क्या क्या रूल्स है उसको वर्कआउट करते देखिए जरा. द पेमेंट ऑफ बोनस एट 1965 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इसके मीनिंग के बारे में. टू प्रोवाइड वर्ड बोनसेस मीनिंग बाकी है. किस केस में? सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रॉफिट. दूसरा प्रोडक्शन. और लास्ट क्या है? प्रोडक्टिविटी. चलिए, इतना कुछ वर्कआउट करने के बाद हमें यह वर्कआउट करना था कि कौन सी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लॉस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं. तो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? फैक्ट्री पर और अदर एस्टेब्लिशमेंट पर. अदर एस्टेब्लिशमेंट में प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में कितने वर्कर्स काम करने चाहिए? 20 और मोर. अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है? अभी करना बाकी है. अगेन, अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ वर्कर 20 से कम है, तो क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर लॉज को अप्लाई कर सकती है? यस. बट नंबर ऑफ वर्कर उसमें कितने होने चाहिए? कम से कम 10. और नोटिस देने का टाइम कितना होगा? कम से कम 2 महीने का. पॉइंट इज क्लियर? सो अकॉर्डिंगली देखा जाए, हमारे पास इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटीज अवेलेबल है. ये एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, और अगर किसी में नंबर ऑफ वर्कर 20 से कम है, तो उन प्रोविजन के ऊपर भी एक्ट की एप्लीकेबिलिटीज के पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं. सिचुएशन यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, कंडीशंस और भी कुछ है जो कि एप्लीकेबिलिटीज के बारे में बताते हैं. फॉर दैट कंप्लीट सिचुएशन वी आर रिक्वायर्ड टू नोट डाउन द फर्दर नोट पॉइंट्स. सो जस्ट राइट डाउन द सेकंड नोट पॉइंट. फटाफट एक और नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट नंबर 2. वंस provision of this act once provision of this act applies on once provision of this act applies on establishment and if number of worker in future fall below 20, then also this act will apply. Then also this act will apply on such establishment. Then also this act will apply on establishment. Accordingly देखें तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है. नोट पॉइंट में यहाँ पर कंडीशन कहते हैं कि एक बार एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो गए, मानते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स आपके 20 से ज़्यादा है, अगर सब्सिक्वेंटली नंबर ऑफ वर्कर्स में फॉल आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स एक बार एक्ट का प्रोविजन अप्लाई हो गया, तो हमेशा के लिए आपके जो एक्ट के प्रोविजन वो क्या रहेंगे? अप्लाइड रहेंगे. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आज नंबर ऑफ वर्कर्स आपके 20 से ज़्यादा है तो एक्ट के प्रोविजन अप्लाइड हैं, कल अगर नंबर ऑफ वर्कर 20 से कम हो गए तो एक्ट के प्रोविजन आपके अप्लाई होने से मना कर देंगे. मीन्स एनफोर्स होने बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. वंस द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज अप्लाइड
इट ऑलवेज टू बी अप्लाइड. चलिए एक्ट की एप्लीकेबिलिटीज के बारे में बता रहा था, कहाँ कहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल होता है, फैक्ट्रीज पर और अदर एस्टेब्लिशमेंट में. कितने वर्कर्स, 20 या उससे ज़्यादा. क्या कम में हो सकता है, यस. फिर भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 10, 20 से कम, 10 से ज़्यादा. नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा, कितने मंथ्स का नोटिस देंगे, और फिर एक्ट के प्रोविजन को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे. अगर एक बार एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो गए तो क्या कंटिन्यूसली अप्लाइड रहेंगे, रूल से यस. एक बार एक्ट के प्रोविजन अप्लाइड हो गए तो हमेशा ही वो प्रोविजन आपके अप्लाइड रहने वाले हैं. पॉइंट इज क्लियर. सो दीज आर द फ्यू इश्यूज वी आर हैविंग रिगार्डिंग योर एप्लीकेबिलिटीज ऑफ दिस एक्ट. देखिए अगर हम एक्ट के एप्लीकेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सडन कंडीशन हमारे पास आती हैं कि किस किस प्रोविजन के ऊपर आपके एक्ट के पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं. चलिए जस्ट ओपन योर चैप्टर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पेज नंबर 1. फटाफट पेज नंबर 1 पे आइए. The Payment of Bonus Act 1965 पेज नंबर 1 पे आइए सीधा. देखिए पेज नंबर 1 पे यहां पर हमारे पास स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है. क्या क्या है, लेट्स से देखिए अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या प्रोवाइड करता है, बोनसेस. लेट्स से बोनसेस किसको प्रोवाइड करता है, दैट इज टू द बोनसेस कहाँ पे करना है, दैट इज टू द सर्टन एस्टैब्लिशमेंट. चलिए नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बीइंग वेरी कॉमन. इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, सारी की सारी फैक्ट्रीज पर और ऐसी किसी एस्टैब्लिशमेंट पर जिसमें कितने ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 20 और मोर. प्लस नोटिफिकेशन देकर भी हम इसके रूल्स के प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं. ऐसी आती है प्रोविजन नॉन एप्लीकेबिलिटीज के बारे में. तो देखिए नॉन एप्लीकेबिलिटीज के बारे में हमारे पास काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है. पेज नंबर 1 में वी आर हैविंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. अब देखिए यहां पर बहुत सारे लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, आपको वो नहीं पढ़ने, आपको बस ये वर्कआउट करना है कि कहां कहां पर आपके इस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल्स नहीं है इन रिलेशन टू द सीमैन. अब सीमैन अगर होगा जैसे डॉक वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, लेबर्स होते हैं. इवन आपने डिस्कवरी चैनल्स पर लेट से प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा कि वो जहाज लेकर पानी में चले जाते हैं और मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, तो उनको सीमेंट्स के नाम से रेफर किया जाता है. कंडीशंस क्या है उसको वर्कआउट करते हैं. तो पहला देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सीमेंट्स के ऊपर. नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन LIC. पहला पॉइंट क्या था, सीमेन. दूसरा क्या है, LIC के एम्प्लॉयज. नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर सी, दैट इज इन केस ऑफ डॉक वर्कर्स, दैट इज इन केस ऑफ डॉक वर्कर्स. नेक्स्ट पॉइंट देखिए एनी एम्प्लॉयज वेयर, कहाँ का एम्प्लॉयड है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एनी यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड लाइक अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक CCI, ठीक है, और एसोचैम. दीज आर द सेक्टर्स वी आर हैविंग. नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द RBI, ठीक है, दीज आर द सडन सिचुएशन वी आर हैविंग. यहाँ पर देखिए आपको सारे सिचुएशंस को वर्कआउट नहीं करना है. यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू वर्कआउट द सडन फॉलोइंग पॉइंट्स. क्या क्या पॉइंट्स हैं वर्कआउट कर देते हैं. कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. 5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. पहला क्या था, सीमेन. दूसरा बताइए LIC के एम्प्लॉयज. तीसरा क्या था, डॉक वर्कर्स. नेक्स्ट क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट क्या था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज के एम्प्लॉयज. नेक्स्ट क्या था, ठीक है ना, CII और SHM. नेक्स्ट क्या था, दैट इज RBI के एम्प्लॉयज. इन सारे एम्प्लॉयज के ऊपर इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि जितने लोगों का मैंने नाम बताया है, एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन का नाम बताया है, इनके अलावा किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल नोट पॉइंट. देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ बोनस. एक बात बताइए, बोनस का जो ऑब्लिगेशन है जो तुम्हें लग रहा है यहाँ पर, बोनस के ऑब्लिगेशन में बोनस किसको पे करना है, कौन पे करेगा आप बता सकते हैं, एम्प्लॉयर. और किसको पे किया जाता है, एम्प्लॉय को. एक बात जरा बताइए, अगर मैंने आज अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट बना के तैयार की, आज मैंने लोगों को रख लिया, रखते रखते मान के चलिए आज 10 लोग हो गए, कल 12 लोग हो गए, देखते देखते 2 महीने के अंदर मान के चलिए 50 लोग हो गए. तो बताइए अगर मेरे एस्टैब्लिशमेंट में 50 लोग एम्प्लॉयड हैं तो क्या एक्ट के प्रोविजन अप्लाइड होंगे या नहीं होंगे. द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल अप्लाई. एक साल हो गया है, प्रॉफिट हुआ नहीं, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर तो एक्ट अप्लाई है, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना है. तो एक बात जरा सोच के देखिए, डोंट यू थिंक दिस प्रोविजन आर वेरी हार्श ऑन एम्प्लॉयर.
भाई अभी मेरी फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट बनके प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है और आप मेरे से बोनस मांग रहे हो। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर ये एक और कहना, एक देयर इज अ नोट पॉइंट ऑल्सो, द प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट 1965 विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द न्यू इस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू द नेक्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स। यानी शुरुआती 5 साल में अगर प्रॉफिट हुआ तो बोनस दे देना, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोनस देने के ऑब्लिगेशन से बच सकते हो। यानी कि एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, इतनी सब बातें जैसे मैंने अभी आपको बोल दी, एक प्रोविजन मैं समझाता हूँ। यानी कि 5 साल के बाद की बात करते हैं, 5 साल के बाद मान के चलिए मेरे पास प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या मुझे बोनस देना पड़ेगा? रूल सेज यस। बोनस का पेमेंट, बोनस की जो पेमेंट होती है वो इस फैक्ट पे बेस नहीं करेगी कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, वो तो इस फैक्ट पे डिपेंड करेगी कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट क्या इस एक्ट में कवर है या नहीं है। कवर है तो बोनस दे दो, और कवर नहीं है तो बोनस देने की ज़रूरत नहीं है। बट देर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट, नई इस्टेब्लिशमेंट शुरुआती 5 साल प्रॉफिट हुआ बोनस दे दे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हुआ तो बोनस देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारे पास जो पॉइंट अवेलेबल है रिगार्डिंग द बोनस, जो कंडीशंस अवेलेबल हैं, मैं आपको बता रहा था नई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो नई इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट से हमें किस बारे में क्लैरिटी आती है कि क्या एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो जस्ट राइट ऑन द अनदर नोट पॉइंट, एक छोटा सा नोट पॉइंट और लिख लीजिए। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल The provision of this act will not be applicable on new establishment for 5 accounting years. देखिए अकॉर्डिंगली देखा जाए, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटीज एंड नॉन एप्लीकेबिलिटीज। एप्लीकेबिलिटीज और नॉन एप्लीकेबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं। आउट ऑफ द फ्यू व्हाट वी आर हैविंग, कंडीशन यहाँ पर कहती है कि नई इस्टेब्लिशमेंट में 5 accounting years तक इस एक्ट के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल्स नहीं होंगे। नाउ व्हाट इज दैट बेसिक मीन्स, यानी कि जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी रूल्स रेगुलेशन हम इस पूरे एक्ट में पढ़ेंगे, वो 5 ईयर तक एस्टेब्लिशमेंट के एस्टेब्लिश होने के बाद एप्लीकेबल्स नहीं होंगे। पॉइंट इज क्लियर। सो कंडीशंस क्या क्या है उनको फर्दर वर्कआउट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर एप्लीकेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे, नॉन एप्लीकेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे। आप बता सकते हैं कि एक्ट के प्रोविजन कहाँ कहाँ पर अप्लाइड हैं, किस पर अप्लाइड हैं आपके फैक्ट्रीज पर, और किस पर आपका फैक्ट्री पर है, एस्टेब्लिशमेंट पर है। एस्टेब्लिशमेंट में कितने वर्कर्स काम करेंगे, 20 और मोर। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम वर्कर हैं और 10 से ज़्यादा हैं तो क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है? यस। कितने मंथ्स का नोटिस होना चाहिए? 2 महीने का। और फिर क्या हो जाएगा, एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे या अप्लाई नहीं होंगे? अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद पॉइंट आता है कि लेट से चलिए अगर नंबर ऑफ वर्कर्स फॉल कर गया किसी वजह से, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपका 20 से कम हो जाता है, तो क्या एक्ट के प्रोविजन पहले अप्लाई जैसे हैं, बाद में अप्लाई होने से मीन्स एनफोर्समेंट ही उनकी क्या रिड्यूस हो जाएगी या एनफोर्स रहेगा? आपका जो एक्ट का प्रोविजन है कंप्लीटली अप्लाई कभी भी डिबार्ट नहीं करेगा। बस एक और एक्सेप्शन जो वर्कआउट करना था वो ये था, नई एस्टेब्लिशमेंट के लिए 5 accounting years के लिए क्या है एक्सेप्शंस है। नाउ दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स वी आर हैविंग। चलिए जस्ट राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, फटाफट डेफिनेशन लिखिए। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन अवेलेबल है, दैट इज इन डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या होता है उसको वर्कआउट करते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड अकाउंटिंग ईयर, मीनिंग ऑफ वर्ड अकाउंटिंग ईयर। देखिए अगर हम अकाउंटिंग ईयर के बारे में वर्कआउट करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग ईयर्स यहां पर 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहला, वेयर
books and accounts, where books and accounts of establishment are closed and balanced, where books and accounts of establishment are closed and balanced. Next segment ki agar hum baat karein, it is that time for which profit and loss accounts are made. और अगर हम लास्ट केस की बात करें, सो अकाउंटिंग ईयर मीन्स which is commencing from 1st April every year or which is ending on 31st March every year. देखिए अगर हम अकाउंटिंग ईयर की डेफिनेशन को वर्कआउट करना शुरू करते हैं, सो अकाउंटिंग ईयर की डेफिनेशन में ये सारी बातें हमारी कवर होती है. अकाउंटिंग ईयर के मीनिंग को समराइज करने के लिए वी आर हैविंग द फ्यू पॉइंट्स. पहले पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया कि मीन्स जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज होते हैं, बैलेंस होते हैं, आप उसे अकाउंटिंग ईयर कह सकते हो. दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है इट इज़ दैट टाइम फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर मेड. जिस समय के लिए आप अपनी पीएनएल अकाउंट्स को बनाते हो उसको भी हम अकाउंटिंग ईयर के नाम से रेफर करते हैं. और लास्ट केस में अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताया गया है. अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो हर साल 1 अप्रैल को कमेंस होता है और जो हर साल कब जाके एंड हो जाता है, दैट इज ऑन 31st मार्च. यानी कि अकाउंटिंग ईयर की बात अगर हम करें तो दीज आर द फ्यू सिचुएशन जो हमें डिफाइन करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है. देखिए ये जो अकाउंटिंग ईयर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर अ कंपनी. अकाउंटिंग ईयर वर्ड हम यूज़ करें एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हम यूज़ करें कॉरपोरेशंस के लिए. कॉरपोरेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है अकाउंटिंग ईयर. और ये अकाउंटिंग ईयर बीइंग वेरी इक्वल टू द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट. भाई अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ तो सेक्शन नंबर 210 सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. और अगर मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करता हूँ तो उसी फाइनेंशियल ईयर को जब बोनस दिया जाता है उसे फाइनेंशियल ईयर ना बोल के आप किस नाम से बोलना शुरू कर दोगे, अकाउंटिंग ईयर के नाम से. सो देखिए हम यहाँ पर एक्ट की एप्लीकेबिलिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, एक्ट की एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ रहे थे. पढ़ते पढ़ते हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि चलिए 20 और मोर वर्कर्स कैलकुलेट करना है. इफ यू आर कैलकुलेटिंग द 20 और मोर वर्कर्स दैट इज ऑल्सो फॉर एन अकाउंटिंग ईयर. और अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, नई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई नहीं करना चाहता, दैट इज फॉर द 1st 5 अकाउंटिंग ईयर्स. तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब आपके सामने 3 पार्ट्स में क्लियर है. पहला पार्ट बताइए, व्हाट इज एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या बता सकते हैं, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स क्लोज होते हैं, बैलेंस किए जाते हैं. दूसरा, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं. और लास्ट केस क्या है, व्हाट इज द लास्ट केस वी आर हैविंग, दैट इज अकाउंटिंग ईयर मींस व्हिच कमेंसिंग ऑन द 1st अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन द 31st मार्च एवरी ईयर. पॉइंट इज क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटीज ऑफ दिस एक्ट. और एप्लीकेबिलिटी के साथ जो जो सेंटेंसेज यूज हो रहे हैं उसके बारे में वर्कआउट करते हैं.